ये पति पत्नी अभी अभी अपने नए घर में आए हैं। पति का नाम रॉब है और पत्नी का नाम गेल है। रॉब की नज़र किचन में रखे फ्रिज पर जाती है। ये बहुत पुराना फ्रिज है जो घर का पुराना मालिक यहाँ पर छोड़ गया है। गेल रॉब से वाइन पीने को कहती है। रॉब वाइन में बर्फ डालने के लिए फ्रिज खोलकर एक आइस क्यूब निकालता है और ड्रिंक में डाल देता है। वाइन पीते हुए उसे आइस क्यूब के अंदर कुछ अजीब दिखाई देता है। वह उसे गेल को दिखाता है। गेल ध्यान से देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लाती है। एक पौराणिक हाथी को उसमें दबा देख वह हैरान हो जाते हैं। गेल दौड़कर जाती है और फ्रिज खोलकर बर्फ हटाती है। वहाँ एक बहुत छोटी मध्ययुग की चलती हुई सभ्यता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। रॉब भी ये देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ समय बहुत तेजी से बीत रहा था। कुछ देर बाद रॉब हाथी को पौधे में दफना देता है। वह लोग दोबारा से फ्रिज के अंदर देखते हैं और अब औद्योगिक युग आ चुका है। वह लोग सिर्फ कुछ मिनटों के लिए गए थे और वहाँ सालों बीत गए। रॉब को बुरा लगता है क्योंकि उसने इतना कुछ मिस कर दिया। दिखाया जाता है कि दो बिल्डिंग बनाने वाले कारीगर आपस में बात कर रहे होते हैं कि दो बेवकूफ दिग्गज हमें हमेशा देखा करते हैं। बहुत जल्द ही पूरा शहर आधुनिक युग में परिवर्तित हो जाता है। रॉब शहर को ध्यान से देखने के लिए नजदीक जाता है, तभी एक मिसाइल शहर पर गिरती है। रॉब हड़बड़ाहट में गिर जाता है। गेल फ्रिज बंद कर देती है और बोलती है कि उन लोगों पर हमला हुआ और उन्हें उस जंग से उबरने में समय